हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हिस्ट्री के 25 प्रश्न लिए जाएंगे और दोस्तों जो भी सेशन चल रहे हैं वो क्रमवार ढंग से चल रहे हैं। प्रश्न जो भी लिए जा रहे हैं वो जैसे जैसे दोस्तों इवेंट्स हुए हैं उसी हिसाब से प्रश्न लिए जा रहे हैं। जैसे कि पहले वाले सेशन में जो भी प्रश्न लिए गए वह यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन से संबंधित प्रश्न थे। उसके बाद दोस्तों जो यूरोपीय शक्तियों का आपस में संघर्ष हुआ उससे संबंधित प्रश्न लिए गए। फिर अब दोस्तों प्रश्न लिए जा रहे हैं विद्रोह से संबंधित। तो दोस्तों देखिए कि 1857 की क्रांति और उसके पहले और उसके बाद में जो कुछ भी विद्रोह हुए भारत में, उन विद्रोहों से संबंधित आज 25 प्रश्न लिए गए हैं। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कृपया हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों सेशन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न यह है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। अब देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के होने का कारण आखिर क्या था। तो कारण इसके बहुत सारे थे। इसका जो दोस्तों मेन कारण था वह था धार्मिक असंतोष, सती प्रथा को खत्म कर देना। ठीक है, खैर वह तो एक अच्छी चीज थी, लेकिन फिर भी दोस्तों धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की वजह से भी यह विद्रोह भड़का। दूसरा कारण एक तरह से गाय और सुअर मिली चर्बी सैनिकों को दोस्तों प्रस्तुत करना सैनिकों के सामने और उन्हें दोस्तों उसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना, जिसकी वजह से 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने दोस्तों बैरकपुर में सर्वप्रथम विद्रोह शुरू किया था। और दोस्तों उन्होंने क्या किया था कि कुछ अंग्रेज अफसरों को घायल किया और एक दो की जान भी ले ली थी, जिसकी वजह से उन्हें फांसी की सजा हुई। तो दोस्तों 1857 का विद्रोह, अब देखते हैं इसके बारे में जो पहला प्रश्न है वह कौन सा है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो दोस्तों 1857 का विद्रोह जब फैल गया बिहार में तो उसका नेतृत्व वहां पर किसने किया। नेतृत्व उसका दोस्तों एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति ने किया और वह अंग्रेजों के नीतियों के खिलाफ उनमें भारी असंतोष था, जनता का अपार उनको सहयोग मिला। तो नेतृत्व किया था दोस्तों कुंवर सिंह जी ने, याद रखिएगा नाम, कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के, अब देखिए खान बहादुर खान ने कहां पे किया था। तो देखिए खान बहादुर खान ने दोस्तों विद्रोह का नेतृत्व किया था बरेली में। तात्या टोपे जी ने कहां पे किया था। तो तात्या टोपे जी ने दो जगह पे विद्रोह का नेतृत्व किया था। एक किया था कानपुर में नाना साहेब का साथ दिया था और दूसरा किया था दोस्तों इन्होंने ग्वालियर में इन्होंने झांसी की रानी का साथ दिया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग नाम था तात्या टोपे जी का। तात्या टोपे दोस्तों एक कुशल सैनिक थे, छापा मार लड़ाई पद्धति में शिवाजी महाराज की तरह ही काफी कुशल थे। बाद में दोस्तों एक भेदी की वजह से, एक विश्वासघाती की वजह से अंग्रेज इन्हें पकड़ने में सफल रहे, वरना जब तक ये जीवित थे, जब तक अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़े थे, तब तक इन्होंने अंग्रेज ब्रिटिश सरकार की ईंट से ईंट बजा रखी थी। देखिए तात्या टोपे, इसका सही जवाब है तात्या टोपे और इनका असली नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, याद रखेंगे। विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने कहां कहां पर किया। तो एक तो किया दोस्तों कानपुर में दोस्तों नाना साहेब थे। ठीक है, नाना साहेब का साथ इन्होंने दिया था। नाना साहेब किसके पुत्र थे, ये बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, मराठा पेशवा के पुत्र थे। और ब्रिटिश सरकार ने ना सिर्फ इनका राज्य छीन लिया था बल्कि इनके जो दोस्तों वादा किया था पेंशन देने का, वो पेंशन भी रोक दी थी। इसी वजह से इनके अंदर भी भारी असंतोष था। और तात्या टोपे तो दोस्तों देश के लिए हमेशा से ही समर्पित थे। तो दोनों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी से झांसी छीन ली गई और झांसी की रानी ने ग्वालियर में आकर के अपना विद्रोह जारी रखा और अंग्रेजों से वापस लड़ने के लिए दोस्तों कई शक्तियां ग्वालियर में इकट्ठा हुई। उसमें से तात्या टोपे और झांसी की रानी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अंग्रेजों से निर्णायक लड़ाई लड़ी। खैर उस लड़ाई में दोस्तों उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। कर्नल ह्यूरोज ने
झांसी की रानी और तात्या टोपे की सम्मिलित सैन्य शक्ति को पराजित कर दिया था। आगे बढ़ते कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया? देखिए पीछे प्रश्न आ चुका है, तो कुंवर सिंह ने दोस्तों किस प्रांत में विद्रोह का नेतृत्व किया? बिहार में किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? बताना है, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इंदादुल्लाह, मौलाना फजेल हक खैराबादी, या मौलवी लियाकत अली। तो दोस्तों मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इलाहाबाद और बनारस दोनों में नेतृत्व कर रहे थे मौलवी लियाकत अली, और बाद में इस विद्रोह का दमन जो कि मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में हो रहा था, इस विद्रोह का दमन इलाहाबाद और बनारस में किसने किया था? तो कर्नल आउंसेल। ठीक है, नाम याद रखेंगे आउंसेल। चलिए 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये कि किस उर्दू कवि ने देखा था। तो मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को आंखों से अपने देखा था। आगे बढ़ते हैं, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो दोस्तों जो ग्वालियर के सिंधिया थे, ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है, सिंधिया राजवंश ने क्या किया था? अंग्रेजों की भरपूर सहायता की थी, और इन्हीं की सहायता की वजह से तात्या टोपे और झांसी की रानी को कर्नल ह्यूरोज हराने में सक्षम हो पाया था। आगे बढ़ते हैं, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। तो दोस्तों जो शिक्षित मध्यम वर्ग था उसने इस विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी, ठीक है, तटस्थ रहे, वो पूरी तरह से सहयोग नहीं किया। और जो जमींदार थे, जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है, अंग्रेजों के साथ मिलकर के वो लड़े, लेकिन 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी किसने? शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ना ये अंग्रेज के साथ थे ना विद्रोहियों के साथ थे। आगे बढ़ते, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो बड़ा ही दोस्तों इसके लिए चिंताजनक बात थी पाल्मस्टन के लिए, बाद में इसकी सत्ता भी चली गई। तो पाल्मस्टन उस समय कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जब 1857 का विद्रोह हुआ। और लॉर्ड कैनिंग जो है वह कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग वह उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और बाद में यह अंतिम गवर्नर जनरल होता है 1857 का विद्रोह जब समाप्त होता है, और भारत का पहला वायसराय बन जाता है। ठीक है, तो यह दो तथ्य याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना दिया? तो दोस्तों जो उस समय गवर्नर जनरल होगा वही उसको आपातकालीन मुख्यालय बना सकता है, तो वह था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए, लॉर्ड कार्नवालिस का नाम बार बार सामने आता है, तो लॉर्ड कार्नवालिस ने एक काम किया था, इन्होंने जमींदारी प्रथा चलाई थी, यानी कि स्थायी बंदोबस्त की प्रथा लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा चलाई गई थी। तो यह तथ्य आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की तरफ, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? देखिए दोस्तों जब बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों के खिलाफ युद्ध करके अपनी कुछ सैन्य शक्ति लेकर के एक साम्राज्य की स्थापना की, बंदा सिंह बहादुर ने, बंदा बहादुर जिन्हें बोलते हैं, बाद में दोस्तों फर्रुख सियर ने क्या किया था? फर्रुख सियर ने उनकी हत्या करवा दी, और जब उनकी हत्या हो गई तो सिख साम्राज्य है वो 12 मिसलों में टूट गया। तो उसमें से जो सबसे पावरफुल मिसल थी सिखों की, उस मिसल का नाम था सुकर चकिया। तो सुकर चकिया मिसल के दोस्तों राजा हुए राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, ब्रिटिश भी उनसे उनके साम्राज्य पर, जब तक वो जीवित थे किसी ने उनके साम्राज्य पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। और महाराजा रणजीत सिंह ने ही दोस्तों स्वर्ण मंदिर में, मंदिर को में सोना दान किया था, और दोस्तों जो भी सोना वहां पर चढ़ा हुआ है स्वर्ण मंदिर के ऊपर वह किसने लगवाया है? तो महाराजा रणजीत सिंह ने लगाया। साथ ही साथ दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी जो सोना चढ़ाया गया है उस सोने को दोस्तों किसने दान किया था? तो वह भी महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। महाराजा रणजीत सिंह की सेना में एक बहुत ही वीर सिपाही थे और उनका नाम था गुरु रामदास।
लेकिन जब दोस्तों पंजाब राज्य का या सिख साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद गुरु रामदास एक तरह से संत प्रवृत्ति ले गए और दोस्तों संत की तरह से रहने लगे, लोगों को उपदेश देने लगे, गुरु कहलाए, ठीक है, लोगों के द्वारा इन्हें गुरु की उपाधि दी गई और नामधारी समुदाय की स्थापना इन्होंने की, तो बड़ा इनका सम्मान था सिख समुदाय में, इनको इनका नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है, एक प्रमुख संत के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने ही दोस्तों कूका आंदोलन चलाया था, ठीक है, तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था गुरु रामदास ने, ठीक है, याद रखिए। चलिए 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, इसमें कुछ हिंदू मुस्लिम राइट्स भी हो गए थे, तो यह हुआ था दोस्तों मालाबार केरल में, ठीक है, मालाबार केरल में, याद रखेंगे मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था, मालाबार केरल में 1921। ताना भगत आंदोलन उत्तरा उराव किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो दोस्तों ताना भगत आंदोलन उत्तरा उराव झारखंड क्षेत्र में दोस्तों उराव जनजाति की वजह से एक विद्रोह हुआ और इसका प्रारंभ हुआ था सन 1914 में, 1914 से लेकर के 1921 तक दोस्तों यह विद्रोह चला था। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो दोस्तों चार्ल्स वुड ने एक आदेश पत्र जारी किया था, उस आदेश पत्र में यह वर्णन था कि शिक्षा सुधार हो, मतलब कि और ज्यादा गुलाम तैयार किए जाए, भारतीयों को शिक्षित किया जाए और बाद में उनसे काम लिया जाए, काम वो लेते थे लेकिन उच्च पदों पर कभी नियुक्ति नहीं करते थे, खैर बाद में शिक्षित होने का ये दोस्तों परिणाम निकला कि बहुत सारे क्रांतिकारी शिक्षित होकर के अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए उठ खड़े हुए, ठीक है, तो देखिए इसका काम था शिक्षा का, ठीक है, तो इसका आदेश पत्र शिक्षा से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है वह कौन था, तो दोस्तों विनायक दामोदर दास सावरकर, इनका नाम आपने सुना होगा, बीडी सावरकर, तो सावरकर जी ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के रूप में बताया था कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कौन सी है, 1857 का विद्रोह, और यह दोस्तों सर्वमान्य बात है, सभी इस पे मतलब अधिकतर लोग सहमत हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 80% लोग सहमत हैं कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कौन सी थी, 1857 का विद्रोह ही, और यह दोस्तों तथ्य किसने प्रतिपादित किया था, तो वह थे बीडी डॉक्टर मजूमदार लगा दिया, बीडी सावरकर, ठीक है, बीडी सावरकर। चलिए 15वें प्रश्न पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो दोस्तों पील आयोग है, पील आयोग, ठीक है, विद्रोह के बाद दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन हुआ, उसमें क्या हुआ, अवध रेजिमेंट जो थी उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि सबसे अधिक सिपाही जो विद्रोह में सम्मिलित थे वो किस प्रांत से थे, अवध प्रांत से थे, अवध रेजिमेंट से थे, तो अवध रेजिमेंट को ही खत्म कर दिया गया, ठीक है, और एक तरह से आर्मी का नव संगठन शुरू हुआ, तो पील आयोग बना था 1857 के विद्रोह के बाद। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, मोपला विद्रोह अभी मैंने आपको बताया केरल मालाबार में हुआ था, कूका विद्रोह गुरु रामदास के नेतृत्व में पंजाब में हुआ था, कोली विद्रोह गुजरात में, दोस्तों कोली विद्रोह आपका कोली जनजाति के द्वारा हुआ और यह कहां पर हुआ, यह झारखंड में यानी कि छोटा नागपुर में हुआ था, तो यह गुजरात में नहीं हुआ था, तो यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न के तरफ, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, दोस्तों पागल पंथी समुदाय एक समुदाय था और यह एक तरह का भक्ति आंदोलन था और यह शुरू किया गया था करम शाह के द्वारा, ठीक है, करम शाह के द्वारा, सूफी आंदोलन की संज्ञा भी से दी जा सकती। आगे बढ़ते हैं, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो ये एक बंगाली लेखक थे और इनका नाम था दीनबंधु मित्रा। बंकिम चंद्र चटर्जी किसके लेखक थे, आनंद मठ के लेखक थे, ठीक है, नाम याद रखेंगे, आनंद मठ से ही वंदे मातरम राष्ट्र गीत लिया गया है। रविंद्रनाथ ठाकुर गीतांजलि के लेखक थे और गीतांजलि से ही दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जनगणमन लिया गया। आगे बढ़ते हैं, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस चीज पर आधारित है, मतलब कथा वस्तु किस पर आधारित है, तो कथा वस्तु दोस्तों आधारित है सन्यासी विद्रोह पर,
सन्यासियों के साथ ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो रियासतों से सन्यासी दान चंदा इत्यादि पाते थे उस पर रोक लगा दी। अब सन्यासी जाए कहां, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। और सन्यासियों के साथ जनता तो पहले से ही जुड़ी रहती है, तो यह विद्रोह काफी दोस्तों सशक्त था, सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह इसका नेतृत्व कर रही थी रानी चौधरानी, और इनके साथ थे भवानी पाठक। तो भवानी पाठक और रानी चौधरानी का संबंध किससे था, सन्यासी विद्रोह से था। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था, तो दोस्तों अभी पीछे हो चुका है, इसके लेखक थे दीनबंधु मित्रा। ठीक है, मित्रा कह सकते हैं, मित्र कह सकते हैं, दोनों ठीक है। चलिए 21वें प्रश्न पर आ जाते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, तो बताना है आपको। रामोसी, दोस्तों रामोसी एक जनजाति थी और भारत के पश्चिमी तट पर यानी के दक्षिण भारत के जो सह्याद्री की हिमालय सह्याद्री की पहाड़ियां हैं उस पर रहने वाले आदिवासियों ने विद्रोह किया था, और अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ यह विद्रोह था, और इन आदिवासियों का समर्थन लेकर के विद्रोह को आगे बढ़ाने का काम किया था वासुदेव बलवंत फड़के जी ने। वासुदेव बलवंत फड़के दोस्तों एक बहुत ही प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके नाम को दोस्तों एक तरह से अब इतना ज्यादा हिस्टोरियंस ने आगे नहीं किया है क्योंकि फांसी नहीं हुई इनको, इनको दोस्तों भेज दिया गया था काला पानी सेलुलर जेल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे। तो वासुदेव बलवंत फड़के, अब इनके योगदान को अगर देखा जाए तो यह दोस्तों अकेला यह एक ऐसा क्रांतिकारी था जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से अकेला टकरा गया। ठीक है, लोगों को जगाने का काम किया था, तो वासुदेव बलवंत फड़के यही इसका सही उत्तर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था, तो फराजी विद्रोह का नेता दोस्तों कौन था, वजीर अली। ठीक है, वजीर अली दोस्तों फराजी विद्रोह का नेता था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ, इसके बारे में मैंने आपको बताया सह्याद्री की पहाड़ियां या पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, जो कि केरल तमिलनाडु महाराष्ट्र इन सारे राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी तट पर फैली हुई है। तो दोस्तों रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ, तो पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट में। बाद में इस विद्रोह को दिशा किसने दे दी थी, तो वासुदेव बलवंत फड़के जी ने इस विद्रोह को महाराष्ट्र में दिशा देने का काम किया था। चलिए 24वें प्रश्न पर आ जाते हैं। मानव बलि प्रथा पर निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति, दोस्तों मानव बलि प्रथा कोंड जनजाति में बहुत ही प्रोमिनेंट थी। कोंड जनजाति दोस्तों मानव बलि प्रथा में एक तरह से भाग लेती थी, और इस प्रथा पर जैसे ही रोक लगा तो कोंड जनजाति ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह बड़ा ही दोस्तों व्यापक था, बड़ा ही भीषण था। तो दोस्तों कोंड जनजाति इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोंड। अब कोंड का संबंध कहां से है, तो यह भी दोस्तों झारखंड और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, तो सारे कोंड जनजाति इसमें सम्मिलित थे। आगे बढ़ते हैं, छोटा नागपुर का पठार है उसी से संबंधित है यह विद्रोह भी। वघेरा विद्रोह कहां पर हुआ था, तो दोस्तों वघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा में वघेरा विद्रोह हुआ था। दोस्तों ये थे 25 प्रश्न इसी तरह के सेशंस के साथ, और छोटे छोटे सेशंस जिसमें दोस्तों 25-25 प्रश्न रहेंगे, ऐसे ही सेशंस के साथ मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा। और इसके इन सेशंस के लिए और फ्री कंटेंट के लिए कृपया आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।